आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे दशहरे के कुछ टोटके। दशहरा इस बार 19 अक्टूबर को पड़ेगा। नवरात्रि 10 अक्टूबर को शुरू होता है और 19 अक्टूबर को विजयादशमी है। तो आप इन टोटकों को आजमा सकते हैं और मैं आपको एक नहीं 15 टोटके बता रहा हूं और 15 में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। देखिए, दशहरा को सर्वसिद्धि मुहूर्त के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा पृथ्वी से अपने लोक के लिए प्रस्थान करती हैं। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध भी किया था। और इतना ही नहीं, नवरात्र के दिन कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा करके धरती वासियों को धन निधान से खुशहाल बना दिया था। इसलिए दशहरे के दिन पूरे साल को खुशहाल और धन निधान से परिपूर्ण बनाने के लिए कुछ आसान से उपाय लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं। भगवान ने इस दिन बुराई को खत्म कर सारे जगत को भय से मुक्ति दिलाई थी। वह रावण जो किसी से मर नहीं रहा था और जिसके अत्याचारों से सब दुखी थे, उस रावण को भगवान राम ने मुक्ति दिलाई थी। तो अच्छाई पर बुराई की जीत को सनातन धर्म दशहरे के रूप में मनाता है। तो चलिए उसके हम कुछ टोटके बता रहे हैं। पहली तो है शमी की पेड़ की पूजा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब राम ने शमी के पेड़ के आगे रावण वध के लिए शक्ति मांगी तो शमी के वृक्ष ने भी राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। तभी से शमी के पेड़ दशहरे के दिन शाम को कुछ जानकार लोग पूछते हैं। आप दशहरे की शाम को शमी के पेड़ के पास जाएं और वहां खड़े होकर अपनी सारी समस्याएं बताएं। लाल धागा लें और वृक्ष को नमन करने के बाद तने से चारों तरफ बांध दें। कुछ ही दिन में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर संभव हो तो इस दिन अपने घर में शमी के पेड़ लगाएं और नियमित दीप दिखाएं। मान्यता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के पत्ते को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि इस दिन पक्षी दिखे तो आने वाला जो साल है वो हमेशा खुशहाल रहता है। दो उपाय हो गए। उसके बाद है राम नाम की शक्ति। दशहरे वाले दिन आप कुछ साफ कागज के पेजों पर कम से कम 1000 बार राम नाम लिखें। ध्यान रखिएगा, राम नाम लिखते समय इसका जाप भी करना है। इसके बाद शाम को रावण दहन से पहले राम नाम जपते हुए ही 108 आटे की गोलियां भी बना लें और शाम को इन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला दीजिए। साथ ही साथ राम नाम जपे पेज भी साफ बहती हुई नदी में बहा दीजिए। आपका सब दुख यूं ही खत्म हो जाएगा। आप अपने घर की नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर सकते हैं। यदि आपके घर में नकारात्मक शक्ति रहती है या आपको घर ऑफिस में किसी भी तरह से भय सताता रहता है तो आप एक काम कीजिए, दशहरे के दिन लाल हनुमान का पताका लेकर पहले राम मंदिर में जाएं और वहां राम नाम जपें। आपको ऐसा करने मात्र से ही पताके में हनुमान शक्ति आ जाती है। इसको फिर आप घर पर लगाएं या ऑफिस की छत पर लगा दीजिए, जहां भी आप चाहें आप उसको लगा सकते हैं, राम नाम के पताके को। अब हम आपको बताते हैं दुर्भाग्य पर विजय पाने का उपाय। हर जगह विजय हेतु विशेष उपाय किए जाते हैं। देवी का जब आप पूजन कर लीजिए तो देवी पूजन करके उन पर चढ़े जो फल हैं वो चढ़ाकर गरीबों में बांटिए और सामग्री चढ़ाते समय ओम विजय नमः का जाप करें और ये उपाय मध्यान्ह शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित ही हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्यकाल में पूजन किया था। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ये बैकफायर होने के चांसेस नहीं है। इवन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो भी पवित्र होती हैं। दशहरे के दिन प्रकृति भी राम जी की विजय पर खुश होती है।
बुराई जिस दिन खत्म हुई थी उस दिन स्वर्ग से फूलों की बरसात हुई थी और प्रकृति की हर चीज से पवित्रता की बरसात हुई थी। दशहरे वाले दिन रात्रि में चंद्रमा अमृत की बरसात करता है। इस रात को चंद्रमा की किरणों को नंगी आंखों से देखना लाभदायक होता है, इसलिए रात्रि में आप चंद्रमा को देखें और उसकी किरणों को घर में आने दें। आपके जो घर के संकट हैं वो ऑटोमेटिक दूर होते चले जाएंगे। रावण दहन जब हो जाता है, उपाय बता रहे हैं आपको, तो रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियां मिल जाए तो उसे घर में लाकर के सुरक्षित रखते हैं। इससे नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता है। फिर दशहरे वाले दिन, मतलब वही 19 अक्टूबर के दिन, लाल रंग के नए कपड़े या रूमाल से मां दुर्गा के चरणों को पोंछकर उन्हें तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। अगला उपाय सुन लीजिए, गुप्त दान करना है। गुप्त दान से सारे तरह के जो भय हैं वो मिट जाते हैं। दशहरे वाले दिन व्यक्ति को गुप्त दान जरूर करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करें और इस मदद को ना तो किसी के सामने करना है और ना ही किसी को इसके बारे में बताना है, ये आप कर सकते हैं। अगला उपाय है हनुमान जी का पूजन। दशहरे वाले दिन हनुमान जी की पूजा करना खास फलदायी होता है। सुबह आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चने का भोग लगाएं और इसी तरह से शाम को फिर हनुमान चालीसा पढ़कर घी के लड्डुओं का भोग लगाएं। रात्रि को सोने से पहले आप हनुमान जी को अपनी समस्या जरूर बता दें। इतने सारे उपाय आपको करने हैं। ये दशहरे के कुछ टोटके बता रहे हैं। दशहरे अगला टोटका बता रहे हैं। दशहरे के दिन देवी यात्रा करती हैं, इसलिए इस दिन को यात्रा के लिए शुभ दिन माना जाता है। इस दिन संभव हो तो यात्रा करें, भले ही छोटी दूरी की हो, तो इससे आपकी यात्रा में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जिन लोगों को विदेश यात्रा की इच्छा है उन्हें यात्रा का योग मजबूत बनाने के लिए उपाय आजमाना चाहिए। अगला उपाय हम आपको बताते हैं, दशहरे के दिन सिर पर जयंती रखें और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। इससे आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। मैं वापस मंत्र बोल देता हूं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको मंत्र लिख देंगे ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन करने में कोई गलती नहीं हो, क्योंकि जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। अब जयंती को तिजोरी या अलमारी में रखने से धन्यदान की प्राप्ति और बरकत होती है। तो इतने सारे जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, यदि आप करते हैं तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये दशहरा के टोटके हैं। तो दशहरा के दिन इन कामों को करने से व्यक्ति के सभी तरह के भय और संकट दूर हो जाते हैं, धन लाभ होता रहता है, पूरे साल आपको धन की कमी नहीं रहेगी, इतना तो निश्चित तौर पर। वैसे भी दशहरा एक अच्छा दिन है तो इस दिन आपको अच्छे काम ही करने होते हैं। और मैं चाहूंगा कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारे वीडियो ज्यादा अच्छे लगे तो आप एक लाइक दे दीजिएगा। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।